जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के ठीक 15 दिन बाद, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद, राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन के बाद आता है। राधा अष्टमी का व्रत रखकर विधि विधान से राधा और कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है, और राधा अष्टमी के दिन व्रत धारण करने मात्र से ही भक्तों के सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के व्रत का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से राधा अष्टमी के दिन भी व्रत रखकर राधा रानी की पूजा आराधना की जाती है। धूमधाम से ये पावन पर्व मनाया जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2021 में राधा अष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, आज के दिन का क्या महत्व है और पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से हमें आज राधा रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो और सभी प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, जो भी समस्याएं हैं, जिनसे भी हम बहुत अधिक परेशान हैं, उन समस्याओं से हमें मुक्ति मिले, आज उसके लिए विशेष क्या करना चाहिए। मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं, शीघ्र विवाह की कामना है, अखंड सौभाग्य की कामना है, पति पत्नी के रिश्तों को बहुत मधुर बनाना चाहते हैं, प्रेम बढ़ाना चाहते हैं पति पत्नी के रिश्तों में, तो आज आपको क्या करना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राधा रानी की पूजा आराधना करते हैं राधा अष्टमी के दिन, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज विशेष क्या करें जिससे कि राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त हो और घर में सदा माँ लक्ष्मी विराजित रहें, स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे, सुख समृद्धि, धन वैभव, मान सम्मान और यश की प्राप्ति हो, इसके लिए आज विशेष क्या करें। तो ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें राधा अष्टमी के महत्व के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया, बिना राधा रानी की पूजा के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रहती है। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण का जब नाम भी स्मरण करते हैं तो सर्वप्रथम राधा नाम आता है। राधा कृष्ण जपने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मात्र राधा राधा भी जपा जाए तो भगवान श्री कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो राधा रानी के नाम का स्मरण मात्र ही काफ़ी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है राधा अष्टमी। अगर आप व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो इतना तो ज़रूर करें कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आराधना करें, उसके बाद ही अन्न या जल ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप राधा और कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। दोपहर 12 बजे तक कम से कम आपको निर्जल या निराहार रहना चाहिए। पूजा के बाद आप उसके बाद से आप अन्न या जल जो भी ग्रहण करना चाहते हैं या फलाहार लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। राधा अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 सितंबर को दोपहर 3:10 पर। तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को, लेकिन अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर को दोपहर में 1:09 पर। तो क्योंकि हमें सूर्योदयकालीन तिथि जो प्राप्त हो रही है जन्माष्टमी राधा अष्टमी की, वो है 14 सितंबर को, जो कि मंगलवार का दिन होगा। तो व्रत रखा जाएगा 14 सितंबर के दिन, मंगलवार के दिन। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, देखिए, अपने घर के मंदिर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो वहीं पर राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति विराजित कीजिए, या प्रतिमा है, चित्र है, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे विराजित करके अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से चौकी लगाएं फिर पूजा करें, तो ऐसे में जिस स्थान पर भी आप चौकी लगाना चाहते हैं, कोशिश करें ईशान कोण में, यानी घर के उत्तर पूर्व दिशा में राधा और कृष्ण के लिए आप पूजा का स्थल बनाएं, तो एक चौकी स्थापित करें सुंदर सी, उसके बाद आपको उसके ऊपर एक लाल या पीला वस्त्र बिछाना है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है राधा रानी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें विराजित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें,
कलश का पात्र रखें, वहां पर कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापित करके, जैसे कि पंचपल्लव इत्यादि रखकर और कलश स्थापित करके भी आप पूजा कर सकते हैं, या कलश स्थापित नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको जल अवश्य रखना है, कलश जिसमें जल भरा हो, जल पात्र रखकर ही हमेशा पूजा करनी चाहिए। तो आप एक जल का पात्र रख लीजिए कलश के की तरह, और फिर आप पूजा आराधना कीजिए, पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। और राधा रानी की पूजा के लिए आपको लाल पुष्प का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आप गुलाब के फूल ले सकते हैं, गुड़हल के फूल ले सकते हैं, कमल के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि राधा रानी को प्रसन्न किया जा सके। लाल रंग के पुष्पों से जब हम माँ की पूजा करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, तो सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको पीली मिठाई, पीले फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है तुलसी दल के साथ, और इसके साथ ही राधा रानी को भी आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन एक विशेष भोग राधा रानी को अर्पित किया जाता है, जो कि ऐसा माना जाता है ब्रजधाम में कि अगर राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है तो राधा रानी की कृपा बहुत शीघ्र मिल जाती है। तो भोग में आप अरबी की सब्जी, पूरियां बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इसके अलावा फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप भोग अर्पित करें, पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें। मंत्र कौन सा जपें? देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए आप कोई भी एक मंत्र जपते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, राधा राधा जपने से भी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संयुक्त रूप से श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और संयुक्त रूप से उनकी कृपा पाना है तो ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र के द्वारा आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा में आप अधिक से अधिक इस मंत्र का जप करें, हो सके तो आप माला पर जप कर सकते हैं। ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप आपको आज जरूर करना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद आप आरती करें, उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो आप अगर पूरे दिन का व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर दोपहर 12 बजे के बाद भोजन भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, राधा अष्टमी के दिन आप पूजा आराधना करें और व्रत धारण करें। अब जानते हैं कि आज हम विशेष क्या करें जिससे कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और जो भी कामना हो वो पूर्ण हो। देखिए, अगर आपको धन की कामना है, धन में वृद्धि चाहिए और मान सम्मान की प्राप्ति चाहिए, इसके अलावा अगर आपके व्यापार में या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, चाहते हैं कि नौकरी और व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में विराजित रहें, तो आज आपको अपनी जो पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की, जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के बाद अपने हाथ में एक चांदी का सिक्का लेकर, दाहिने हाथ में एक चांदी का सिक्का लें, चांदी का सिक्का ना हो तो ऐसे में आप 1 रुपये का, 5 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। मतलब हमें हाथ में एक सिक्का लेकर और मंत्र जप करना है। मंत्र जप क्या है? ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा कृष्णाय नमः, इस तरह से इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। और पूजा पूर्ण होने के बाद ये सिक्का एक लाल कपड़े में बांधकर या पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर, जहाँ पर भी आप पैसे रुपए रखते हैं, तिजोरी में या लॉकर में, आप इस सिक्के को उस जगह पर स्थापित कर दीजिए। सिक्का कोई सा भी हो सकता है, मन में कोई संशय ना रखें। चांदी का सिक्का हो या फिर चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। पूजा करने से, मंत्र जपने से वो सिक्का अभिमंत्रित हो जाता है और उसका प्रभाव उतना ही होता है, इसलिए आप मन में बिना संशय के आप कोई भी सिक्का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक जो आप जला रहे हैं आज के दिन, अगर अष्टमुखी दीपक जलाते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। अष्टमुखी दीपक ना हो तो आप एक ही दीपक में 8 बातियां डालें, जैसे कि लंबी बातियां जो होती हैं, या कलावा जो होता है। कलावा क्या होता है? जो हम हाथ में मौली बांधते हैं पूजा के समय, उसे कलावा कहा जाता है। उस धागे को भी आप 8 धागा गिन लीजिए और 8 धागे से बाती बनाकर और उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमुखी शुद्ध घी का दीपक अगर आज के दिन प्रज्वलित किया जाए और उसमें इत्र डालकर अगर आप प्रज्वलित करते हैं, जैसे दीपक प्रज्वलित करें उसके बाद थोड़ा सा इत्र डालते हैं, तो इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, धन और यश की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में रहता है। तो आज आपको ये जरूर करना चाहिए अगर आपको धन की कामना है। अगला उपाय है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए।
राधा कृष्ण की जब आप पूजा कर रहे हैं तो राधा कृष्ण को आप कपूर अर्पित कीजिए, कपूर उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जब आप आरती करते हैं, आरती कर लीजिए, उसके बाद से उस कपूर को आप अपने बेडरूम में जला दीजिए। अपने बेडरूम में एक जैसे एक मिट्टी के दिए में या किसी भी पात्र में रखकर उस कपूर को जलाकर पूरे बेडरूम में आप इसका धूप दिखाएं, धुआं दिखाएं, तो इससे बेडरूम से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन राधा कृष्ण को इत्र अर्पित करना चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो आज आप राधा कृष्ण को इत्र अर्पित करें और इसका प्रयोग आप स्वयं करें खुद। इसके बाद पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप अगर आप इसे स्वयं प्रयोग करते हैं तो इससे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। इसके साथ ही इत्र के प्रयोग से सुख समृद्धि और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। और आज आपको मंत्र जप करना है, ओम राधा वल्लभाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहेगी। राधा अष्टमी के दिन सुंदर और योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आप क्या करें? देखिए, राधा कृष्ण की पूजा में अगर आप अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो राधा कृष्ण के मंदिर में आज आपको विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। संभव हो तो मंदिर चले जाएं, राधा कृष्ण का जो संयुक्त मंदिर होता है वहां जाकर पूजा कर लें। वहां नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी कर लीजिए, राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा कीजिए। तो हल्दी और चंदन से भगवान श्री कृष्ण को आप तिलक लगाएं, हल्दी अर्पित करें, चंदन से उनको तिलक लगाएं और कुमकुम का तिलक राधा रानी को अर्पित करें। इसके साथ ही आज आपको चाहिए कि केले का भोग श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। केले का भोग अर्पित करने से भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आज आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको अपने प्रेम में सफलता पाना है तो। भोजपत्र होता है, पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, भोजपत्र लेकर आइए और उस भोजपत्र पर आपको सफ़ेद चंदन से या पीले चंदन से जो भी आपका जीवन साथी होने वाला है, जिसे भी आप प्राप्त करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, उसका नाम लिखिए। अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम उस भोजपत्र पर लिख दीजिए और राधा कृष्ण के मंदिर में राधा कृष्ण के चरणों में उसे अर्पित करके प्रार्थना कीजिए ताकि शीघ्र ही आपका विवाह हो, मनचाहा जीवन साथी आपको बहुत शीघ्र प्राप्त हो। इसके लिए राधा कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, आज के दिन किया गया उपाय, आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना, आज के दिन कही गई जो हमारी मनोकामना होती है श्री कृष्ण और राधा रानी के से जो हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी कामना, वो हमारी प्रार्थना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज का दिन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा आज विधिवत जरूर करें, व्रत करें या ना करें पर पूजा जरूर कीजिए। उपाय आप कर सकते हैं बिना व्रत किए भी, कोई संशय मन में ना रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।